चला है कि कुछ लोग पैसा लेके एक हफ्ता 10 दिन में जो है कार्ड उपलब्ध करा दे रहे हैं। तो कहाँ है, मजबूर है वो, कहाँ से 1500 या 2000 रुपया देकर के राशन कार्ड बनाएंगे? पैसा लेकर कार्ड बनता है, इतनी सूचना हम लोगों को सारे माननीय पार्षदों को प्राप्त है, तो वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज महापौर श्रीमती अंजुम आर्य जी के नेतृत्व में उप महापौर व सभी माननीय पार्षद जिसमें नारद यादव, नफीसुल हक, रिंकू, चांदनी देवी, राकेश, रोशन कुमार, आशुतोष कुमार, पिंकी देवी, शंकर प्रसाद जायसवाल, नुजहत परवीन, फिरदौस जहां, पूनम देवी, गंगा मंडल, मुकेश महासेठ, श्याम शर्मा आदि ने अनुमंडल पदाधिकारी सदर महोदय से मुलाकात कर सालों से राशन कार्ड का निष्पादन नहीं होने व पैसा लेकर अनुमंडल कार्यालय से कार्ड निर्गत हो जाने पर चर्चा हुई और अपने अपने वार्ड में राशन कार्ड की समस्या को दूर करने हेतु कैंप के माध्यम से जल्द निष्पादन किया जाए ताकि वैसे पात्र लाभुकों का राशन कार्ड निर्गत हो सके और जो कर्मी पैसा लेकर राशन कार्ड निर्गत करते हैं इन पर कठोर कार्रवाई की जाए। हम लोग SDO साहब के यहाँ आए हैं, सबसे अहम मुद्दा भी है राशन कार्ड का। राशन कार्ड में जो है 3 साल 4 साल से जो अप्लाई किए हुए उसका किस वजह से नहीं आ पा रहा है उसी पर हम लोग विचार करने यहाँ पर आए कि उसकी जाँच कराइए। और इसमें ये भी पता चला है कि कुछ लोग पैसा लेके एक हफ्ता 10 दिन में जो है कार्ड उपलब्ध करा दे रहे हैं, तो वो कैसे हो रहा है उसकी जांच वो कराए। और वृद्धा पेंशन में जो लोगों को नहीं मिल पा रहा है किसी वजह से उसका भी कारण जानकारी के लिए हम इनके पास आए हैं। मैम कि अभी हम भी फ्री हैं, हम इसको अपने स्तर से अच्छे तरीके से इसकी जांच करेंगे और इस पर कार्रवाई होगी। जी जी बिल्कुल, एकदम नहीं छोड़ा जाए ऐसे आदमी को। एक आदमी दो आदमी से पैसा लेके करा दे रहा है और बाकी जो है पार्षद का कोई वैल्यू नहीं रह रहा है इसमें, इसलिए इस पर भी गंभीरता से जो है जांच कराने का हम लोग बोल के आए हैं। जी बिल्कुल आएंगे, लेकिन आश्वासन हम लोग को मिला है कि वो करेंगी, हम लोग की मदद करेंगी और जांच स्तर भी अच्छे से देखेंगी। अभी वो फ्री हैं तो बोली हैं कि हम करेंगे आप लोग का। ये समस्या 6 महीना से उनके पास जा रहा था, लेकिन अब जो है इसको गंभीरता से देखा जाएगा। बताई दिया, महापौर की अध्यक्षता में ये मीटिंग रखी गई थी। हमारे 15-16 वार्ड पार्षद के साथ आए थे समस्या को लेकर के, जनता का प्रॉब्लम लगी क्योंकि जनता को एक राशन कार्ड एक पेंशन जो है ना ये बहुत बड़ा एक उनको जीने का एक सहारा हो जाता है, तो यही उनको नहीं ये सब सुविधा मिल पा रही थी। मैं इसे 6 महीने पहले भी मैंने लिख करके इनको दिया था, अनुमंडल पदाधिकारी को मैंने दिया था कि जल्द से जल्द इस चीज पे संज्ञान लिया जाए, लेकिन वो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल के कारण उन्होंने लिया नहीं। लेकिन अब उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको हम खुद अपने नेतृत्व में इसको संज्ञान लेते हैं और जो भी पैसे लेकर के ऐसा काम कर रहे हैं जो जनता को तकलीफ हो रही है, जो जनता असहाय है, मजबूर है, वो कहां से 1500 या 2000 रुपया देकर के राशन कार्ड बनाएंगे? ये तो सरकार की स्कीम है, इनको फ्री ऑफ कॉस्ट में काम होना चाहिए। लेकिन एक आया है नाम, उनका भी संज्ञान में दिया गया है, कंप्लेन की हूँ। अब बाकी देखिए, आप देखिए अभी पब्लिक आ रही है, कह रही है कि 2 साल से हम परेशान है राशन कार्ड के लिए। आप बताइए इनके पास, अगर इनके पास 2000, 3000, 5000 रुपया रहता है तो आज किसी को दे करके जो है दलाल यहाँ पर बैठे हुए उनको दे करके ये काम कर सकते थे, लेकिन इनके पास असहाय है, मजबूर से भाग के आया है, ये परेशान है। आप सोचिए अब इनकी समस्याओं का निदान, उम्मीद है कि मैम हम लोग का सहयोग करेंगे। और महोदया के नेतृत्व में हम सभी स्थान जितने भी माननीय पार्षद हैं सब लोग यहाँ SDO मैडम से मिलने आए। सबसे बड़ा मुख्य कारण था हम लोगों का जो मुद्दा था वो राशन कार्ड, लगातार देख रहे हैं आज 2-2 साल 3-3 साल पहले से हम लोगों का राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई हुआ। लोगों को गरीब लोग जिस तरह हर लोग 500-700 रुपया से अप्लाई करने में लगता है राशन कार्ड का, लेकिन 2-2 साल से ना उनका डिस्पोजल हो पाया, ना राशन कार्ड बन पाया, ना अभी तक सही उत्तर मिल पाया कि आखिर रिजेक्ट किस कारण हुआ है या क्या प्रॉब्लम है, राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहा। एक हम 8-9 महीना से वार्ड पार्षद हम लोग, लगता है 10 महीना पूर्ण वाला है, एक भी वार्ड में हम लोग के थोड़ी इसी कार्यालय से जो है हम लोगों के जानकारी के अनुसार राशन कार्ड बना नहीं। लेकिन कुछ लोगों का राशन कार्ड हम लोगों को शिकायत है कि यहाँ से बना है, वो पैसा देकर बना है और कोई राजकुमार नाम के यहाँ कोई स्टाफ है, 1500, 1000, 2000 लेकर यहाँ अनुमंडल कार्यालय से वो राशन कार्ड बना के लोगों को देते थे। लोग कहते क्या है कि आप लोग से कुछ नहीं हुआ, हमने अपना राशन कार्ड बना लिया। कैसे बना था हम लोग को भी गुप्त सूचना से पता चला कि यहाँ कोई राजकुमार करके कोई स्टाफ है जिन्होंने पैसा ले लेकर और शहर के सभी वार्डों से कुछ कुछ लोग जो पैसा दे पाता साइलेंटली उन लोगों के थ्रू जो है वो अपना उनसे बनवा लिया जाता है कार्ड। तो इसीलिए हम लोग सारी शिकायतें अनुमंडल पदाधिकारी महोदया से किया है हम लोगों ने।
महापौर महोदया ने भी और सभी अंतर्स्थानीय पार्षदों ने कि जो शिकायतें मिल रही है राशन कार्ड का जल्द से जल्द निष्पादन हो और जिन लोगों ने अप्लाई किया है जो उसके समक्ष हो जो राशन कार्ड लेने के उनको राशन कार्ड जल्द से जल्द बनाकर दिया जाए और किसी कारणवश रिजेक्ट हुआ है क्या कारण उस रिजेक्ट का उत्तर बताया जाए कि रिजेक्ट क्यों हुआ है और किसी को कार्ड बना बिना किसी कोई बिना इंक्वायरी के कार्ड बन गया या रिजेक्ट कैसे हो गया तो उसकी हम लोग कोई डिटेल्स जानने के लिए हम लोग यहाँ डिटेल्स चाहिए कि आखिर क्यों ऐसा हुआ है। और वो लोग जो लोग यहाँ ऑफिस में बैठकर पैसा लेकर राशन कार्ड बनाने का काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड से नाम भी कट गया है। आखिर क्या कारण है कि राशन कार्ड से नाम एक बैग कट गया और राशन जिनको पिछले मंथ राशन मिला है इस बार पोस्ट मशीन पर राशन मिल नहीं रहा है तो आखिर और यहाँ भी जो हमारे मार्केटिंग अफसर उन लोगों को भी देख रहे हैं उस तरीके से जिस तरीके से गंभीरता पूर्वक गरीब लोगों को राशन मिलने की जो भारत सरकार या बिहार सरकार जिस तरीके से अग्रसित है कि कैसे लोगों को राशन मिले ये लोग सिर्फ यहाँ वो लोग भी उतना इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन पैसा लेकर कार्ड बनता है इतनी सूचना हम लोगों को सारे माननीय पार्षदों को प्राप्त है तो वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और जितना राशन कार्ड जहां जहां से अप्लाई हो चुका है उस पर डिस्पोजल जल्द से जल्द हो और उन गरीब परिवारों को राशन का मुहैया कराने का प्रयास किया जाए। इसीलिए अगर अनुमंडल पदाधिकारी महोदया से हम लोग मिलने आए थे। देखिए हम लोग जनप्रतिनिधि हैं वार्ड के कई लोग आते हैं राशन कार्ड के लिए वृद्धावस्था पेंशन के लिए तो लोग जो साइबर से अप्लाई करते हैं या ब्लॉक में करते हैं उन लोगों को कार्ड नहीं बनता लेकिन जानकारी मिली है कि यहाँ अवैध रूप से पैसा लेकर राशन बना के दे दिया जाता है। इससे क्या होता है कि हम लोग प्रताड़ित होते हैं वार्ड में हम लोग डिफेम होते हैं। हम लोग इन्हीं समस्या को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी महोदया से मिले हैं उनको सारी बात संज्ञान में दिए हैं उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम जांच कराएंगे एमओ जो कि बदलावर्ती हुआ है उनकी एक बैठक बुलाएंगे और हम लोगों ने खासकर ये भी कहा है कि आपके आपके अधिकार क्षेत्र में हो तो एक काउंसिल जो है नगर निगम में स्थापित कर दिया जाए ताकि हम लोग टाइम टू टाइम वहां से सभी बातों की जानकारी ले सके। अनुमंडल